दुर्ग निगम क्षेत्र में चल रहे रोड नाली निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता उजागर हो रही है। निगम ने ठेकेदारों को नोटिस थमाया है। दुर्ग निगम क्षेत्र में होने वाले विकास कार्य तो भगवान भरोसे ही नजर आ रहे हैं, वहीं निगम क्षेत्र में हो रहे निर्माण को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे निगम की जिम्मेदारी बस टेंडर जारी करने तक ही सीमित है। उसके बाद ठेकेदार क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब तक करेगा, इस निगम को कोई सरोकार नहीं। जी हाँ, ऐसा एक मामला दुर्ग निगम कार्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिला, जहां गंजपारा से होकर मुक्तिधाम जाने वाले मार्ग पर ठेकेदार के द्वारा रोड नाली का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य में अनियमितता तो कूट कूट कर भरी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ठेकेदार ने लगभग 75% कार्य ऐसे ही गुणवत्ता विहीन तरीके से पूरा कर दिया है। बता दें कि ठेकेदार ने नाली का निर्माण तो पानी में ही कर दिया। शायद ठेकेदार का सोचना होगा कि बस एक बार बन जाए, उसके बाद कौन देखता है। इसी प्रकार नाली में लगे सरिये पर एक नजर मार ली जाए तो दिखाई देगा कि जहां 150 mm की दूरी में सरिये को बांधा जाना था, वहां ठेकेदार ने 200-250 तो कहीं 300 mm दूरी में सरिये को बांधा है। वहीं आड़े में जहां 5 सरिया लगाया जाना चाहिए था, वहां ठेकेदार ने सिर्फ 3 सरिये से ही काम चला लिया। साथ ही गंजपारा से मुक्ति धाम तक रोड सीधी जा रही है, लेकिन रोड से लगकर बन रही नालियों को क्यों टेढ़ी मेढ़ी बल खा रही है, ये भी समस्या परे है। गुणवत्ता को लेकर जब निगम के जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा करनी चाहिए तो आनन फानन में ठेकेदार को नोटिस जारी करने की कार्रवाई निगम के जिम्मेदार अधिकारियों ने पूरी कर दी, लेकिन अभी तक इस अनियमितता की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य के जिम्मेदार कौन है। उसके बारे में शिकायत आई है, हमने संबंधित एई और ई को कहा है कि आप लोग स्वयं निरीक्षण करें और अगर कोई शिकायत हो तो उस पर कार्रवाई की जाए। एई ने कहा है कि हमने उसमें नोटिस जारी किया है, बाकी जांच के बाद पता चलेगी। ये गौरव पथ नहीं है, आप लोग नदी रोड की बात कर रहे हैं। गौरव पथ जो है निगम के सामने बन रहा वाला गौरव पथ है, वो निगम वो नदी रोड की बात हो रही है। और सारे प्रोजेक्ट निगम के ड्रीम प्रोजेक्ट ही होते हैं, निगम हर प्रोजेक्ट को अपना मान के चलती है और उसमें अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। इसके संबंध में मुझे भी जानकारी नहीं है, मैं ई से बात करके बता पाऊँगा। इसमें 2 महीने पहले ऑडिट करवाए थे तो 14 में 2 खराब मिले थे, बाकी संचालित था। उन्हें एक बार ऑडिट करवाने के लिए मैंने निर्देशित किया है और कोशिश रहेगी कि सबको शुद्ध पेयजल जरूर, कोशिश निगम की रहेगी कि सभी को साल भर के लिए सुविधा मिले। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।